हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आपका माइंड में सॉल्यूशन पर। आज का नया वीडियो है हमारा MGT 001। आज की इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जिसमें आपको मतलब आपके जो सिलेबस है, जो आपका चैप्टर है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने बनाए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी अच्छे हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। यानी कि एक आइडिया आपको मिल सकता है कि कैसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर भी लिख सकते हो और इस तरीके से एक आइडिया ले सकते हैं कि आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए आज का जो वीडियो है बिना देरी करे शुरू करते हैं। असाइनमेंट शुरू करने से पहले हम अपने यूनिट्स को देख लेते हैं कि आपके जो चैप्टर है और सिलेबस है उसमें कौन कौन से यूनिट्स हैं। पहला है अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी, सेकेंड है आपका कॉस्मोग्राफी, टू कोरोलॉजी, थर्ड आपका है द रीजनल सेंट्रल कॉन्सेप्ट। ये तीन आपके यूनिट्स है। इस चैप्टर में आपको इस तीन यूनिट्स के बारे में जानने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, अभी हम शुरू करते हैं। आपके कुछ जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके सिलेबस से पर्पज़ से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बनाए हैं वो एक बार और अच्छे से जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं अपने जो हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो यहाँ आपके शुरू होते हैं। हाँ, शुरू हो चुके हैं स्टूडेंट्स। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले तो आप एक नोटबुक और पेन अपने पास रख लीजिए, तो जो भी मैं क्वेश्चंस आपको दिखा रही हूँ आप एक बार नोट कर लीजिए और उसके आंसर को पॉइंट में लिख लीजिए। जो मैं आपको आंसर दिखा रही हूँ, ये जो आपको पॉइंट में आंसर दिए गए हैं उसी का पॉइंट टू पॉइंट में लिखिए, और ये जो क्वेश्चन है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। सेकेंड आपका क्वेश्चन है, और इसका मतलब जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए गए सभी के आंसर फ्रीली आपको दिए हैं, मैं एक बार और अच्छे से क्लियर कर देती हूँ जिसे आपको अच्छे से दिख जाए। हाँ, तो यहाँ आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है। एंड मुझे वीडियो को शुरू करने से पहले आप मुझे ये चीज़ भी बता दीजिए कि अगर आपको स्क्रीन बिल्कुल विजिबल है और आपको वॉइस भी क्लियर आ रही है, तो आप मुझे एक बार कमेंट में बता सकते हैं ये चीज़, फिर मैं भी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको दिखा देती हूँ।
फाइनली स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो वीडियो थी हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, यहाँ तक फिनिश हो चुकी है। आई होप अच्छे से आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। एंड तो ये क्वेश्चंस थे, कुछ 20 से 25 क्वेश्चंस थे आपके लिए, जो आप एक बार अच्छे से 20 से 25 क्वेश्चंस के एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चंस के आंसर को समझ लीजिए, तो आप इजीली फिर इस इन क्वेश्चंस की हेल्प से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं एंड अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ऐसे ही और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने के लिए, यानी कि अगर आप चाहते हैं और भी किसी अदर सब्जेक्ट पर चाहते हैं या किसी कोर्स पर चाहते हैं वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं, आप नोट्स से पढ़ना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, तो नोट्स के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा और साथ ही स्क्रीन पर भी आपको दिया गया है, तो यहाँ से आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। अगर आप नोट्स से पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप इजीली आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स, माइंड मी सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ केवल एग्ज़ाम्स के लिए ही नहीं, बल्कि अगर आपके असाइनमेंट्स की भी ज़रूरत होती है, तब भी हम ऐसे ही फ्री में वीडियोस अपलोड करते हैं आपके लिए, बनाते हैं, जिससे आपकी आप अपने जो भी आपका एग्ज़ाम हो या फिर असाइनमेंट की तैयारी करनी है, तो आप इजीली हमारे वीडियोस की हेल्प से कर सकें। एंड मैम, इसका आपसे ऐसे ही और भी वीडियोस में मिलती रहूँगी, जब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।